उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में योगी सरकार के जिला अस्पताल में फ्री इलाज की पोल खुल गई है। सरकारी इलाज होने के बावजूद यहां इलाज के लिए पैसे मांगे जाते हैं तो कभी यहां इमरजेंसी वार्डों में इंसान कम और आवारा कुत्तों का जमावड़ा ज्यादा लगा रहता है। लेकिन इस बार सरकारी अस्पताल से जुड़ी महिला सगनिया वहां इलाज कराने आई पीड़ित महिलाओं से ही अल्ट्रासाउंड के नाम पर पैसों की खुलेआम मांग कर रही है। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨਲ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾ ਲਗਾ ਜੋ ਫਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਗਾ ਨਾ ਲਗਾ ਫਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾ ਤਾਰੀਖ ਸੇ ਹੋਵੇ ਅਰੇ ਤਾਰੀਖ ਲੈ ਲੈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਤੇਰੇ ਪਰ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲਾ ਫਰੀ ਹੋਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੇ ਪਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਪੇ ਤਾਰੀਖ ਲੈ ਲੈ है थी मेरे हाँ तो फिर कहाँ थी तारीख दिखा मैंने परसों आए थे हम वो लिखा हुआ सिर्फ तारीख वहाँ मिला अल्ट्रासाउंड थी अल्ट्रासाउंड लिख दिया डॉक्टर ने उसके बाद तारीख लेनी पड़े अच्छा वहाँ से जहाँ अल्ट्रासाउंड वो बाहर बैठी ठीक है उस पर तारीख मिलेगी और जब जब फ्री हो नूनी फ्री होता ही तू वीआईपी की तरह और तेरा काम हो गया तेरा सी देर में किन्ने बुलाया नाम डॉक्टर जाने था तेरा नाम डॉक्टर जाने था क्या तेरा नाम नहीं तो फिर हमने फोन करा जब तो उन्होंने बुलाई तुझे अंदर यो नू नहीं वो करते इंसानियत की तरह रहो इंसान बन के रहो तो इंसानियत बिचारी तुझे गांव में चला इंसान ही तो नहीं बन रही तू तू होशियारी दिखा रही है तेरा काम आता ही हो गया कह रहे मगर 200 रुपए ले लो और मैं वैसे कर दो भाई डॉक्टर नहीं लेता किसी से पूछ ले जा किसी से पूछ ले तू बेधड़क होकर पूछ और जब तेरे सारे कानों में आ जाएगी ना जब दिए हाँ तो फिर तो कोई बात नहीं है कोई फ्री करवा कोई भी नहीं फ्री करवाता तारीख पे हो फ्री तुझे यकीन आ जाएगा ऐसे पर्चा दे दे तारीख कितने दिन की मिलेगी पर्चा दो अरे मुझे मीटिंग में जाना तुम मुझे ना देर करे दरअसल सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर के नाम पर पीड़ित महिलाओं से रुपयों की खुलेआम मांग की जा रही है जिसका वीडियो बनाकर पीड़ित महिला ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह अस्पताल से जुड़ी सगनिया पीड़ित महिला को प्रताड़ित करते हुए पैसों की मांग कर रही है। आभा शर्मा का कहना है कि ये वीडियो 2 से 3 दिन पुराना है। आरोपी सगनिया बगरा ब्लॉक पर तैनात बताई जा रही है। हाँ आपने ही जैसे कि मुझे दिखाई अभी ये वीडियो तो उस वीडियो देख के ये तो समझ में आ रहा है कि वो वीडियो हाँ हमारे अस्पताल में ही बनी है लेकिन कब बनी है ये उससे पता नहीं चल रहा है। पर एक बात उससे ये साफ है कि जो भी वो पेशेंट है उसका अल्ट्रासाउंड हो भी चुका है और उसकी रिपोर्ट भी मिल चुकी है पर जो उससे पैसे मांगने की वो बातें कर रही हैं वो जो महिलाएं दिख रही हैं वो संगनी और आशा हैं। अब संगनी और आशा वो वैसे मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है वो अंडर सीएमओ होती हैं वो मरीज़ की भलाई के लिए ही पोस्टेड होती हैं कि उन लोगों का जहाँ ले जाना है या कुछ काम कराने हैं सब इसीलिए हैं। लेकिन यही बात ख़राब लग रही है कि मरीजों को बजाय वो और फैसिलिटेट करें उन्हें सुविधाएं दिलवाएं ले जाएं ना कहीं हो रहा हो तो भी बात करके अच्छे से उनका वो करवाएं और वो लोग उसका होने के बाद में उससे जो है पैसे की वो कर रही हैं मांग तो बहुत ही खेदजनक है। फिर भी क्योंकि मेरे यहाँ का वीडियो है तो मेरे हॉस्पिटल का शूट करा हुआ तो मैं उस दिन से मतलब अपने यहाँ तो हम रोज़ ही सारी जगह निरीक्षण करते हैं घूमते हैं कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है। मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि मरीज आते हैं मरीज अनजान होते हैं उनसे कोई भी अगर इस तरह की कोई भी डिमांड मांग करता है पैसे की किसी भी काम के लिए तो वो बजाय उनके झांसे में फंसने के या उनसे बात करने के वो सीधे मेरे ऑफिस में आया।